नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल माहिदा टेकी पर। तो काफ़ी डिमांड आ रही थी कि यार अमेज़फिट GTS 2 मिनी और अमेज़फिट BPU प्रो का वीडियो बनाया जाए। फीचर्स का तो मैंने वीडियो एक बना रखा है, तो आज मैं प्रैक्टिकली दोनों वॉचेज़ आपके सामने लेकर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं दोनों ही वॉचेज़ बहुत ज़बरदस्त है। दोनों वॉचेज़ एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं, कांटे की टक्कर दे रही हैं। तो आज आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली तरीके से कि भाई ये किस तरह से एक दूसरे के आमने सामने हैं, कौन सी चीज़ किस में ज़्यादा है, कौन किस चीज़ में पीछे है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर फटाफट से कर देना वीडियो को देखते ही। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो से। भाई जब BPU लॉन्च हुई थी तो सब लोग कहते थे BPU और GTS 2 मिनी सेम है, तो मैं इनका बॉक्स ही दिखा दूँ आपको। बॉक्स भी दोनों का लगभग सेम ही है, सेम डिज़ाइन शेप सब कुछ वैसा ही बना के दिया हुआ है कंपनी ने। कहीं जुड़वा वॉचेस तो नहीं? चलो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा मेरा ये स्क्रीन गार्ड ख़राब हो गया, GTS 2 मिनी पे यार लगाया था मैंने, तो वही अगेन बीजल आपको देखने को मिलेंगे BPU प्रो में। लेकिन मिनी में आपको चारों तरफ बीजल मिलेंगे और चारों के चारों सेम शेप के हैं, मतलब इक्वल साइज़ के हैं। और जो BPU प्रो उसमें नीचे की तरफ ज़्यादा है। बैक साइड देखिए, ग्लास की लुक वाली बैक है मिनी की और बिल्कुल प्लास्टिक बैक है आपकी BPU की। सेंसर्स की प्लेसमेंट दोनों में ही सेम टू सेम है। और अगर हम बात करते हैं बकल की, वो भी प्लास्टिक का ही है दोनों में। स्ट्रैप क्वालिटी दोनों की बिल्कुल सेम है, ये वही स्ट्रैप है जो Amazfit का बड़ा पॉपुलर है, सेल्फ क्लीनिंग ट्रीटमेंट वाला, अपने ऊपर धूल मिट्टी गंदगी आसानी से जम नहीं देता। डायल साइज़ दोनों का सेम है। अब मैं पूरी की पूरी लेंथ की बात करता हूँ तो पूरी की पूरी लेंथ भी सेम है दोनों में। 20mm का स्ट्रैप लगता है वॉचेस में, रिमूवेबल स्ट्रैप है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। मेजर फ़र्क है एलुमिनियम की स्ट्रॉन्ग बॉडी है आपकी मिनी में, और BPU प्रो की है पॉलीकार्बोनेट बॉडी। फिर थोड़ा आपको थियोरटिकल डिटेल बता देता हूँ। बड़ी स्क्रीन है मिनी की 1.55 और BPU प्रो की है 1.43 इंचेस की स्क्रीन। और डिस्प्ले में मिनी में है एमोलेड और BPU प्रो में है हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है 320x302 पिक्सल का। उसके अलावा मिनी की बॉडी है एलुमिनियम केस की और BPU प्रो की है पॉली कार्बोनेट की, और गोरिल्ला ग्लास BPU प्रो में लगा मिल रहा है। फिर देखिए राइट स्वाइप करते हैं, दोनों के ऑप्शन बिल्कुल सेम है, वही हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस मॉनिटर, सबसे पहले एक्टिविटी ट्रैकर आया था, PAI है, फिर वेदर अपडेट है, और ये साथ में म्यूजिक कंट्रोलर और ये एलेक्सा। जी हाँ, तो जो यूज़र इंटरफेस है दोनों ही वॉचेस का सेम है। देखिए ऊपर से नीचे स्लाइड करते हैं, सेम ऑप्शन आएंगे, आपका DND आ जाएगा, सेटिंग्स आ जाएगी, ऑटो ब्राइटनेस मतलब ब्राइटनेस एडजस्टमेंट। हम देखिए BPU प्रो में आपको मैनुअल एडजस्ट करनी पड़ती है, लेकिन मिनी में देखिए ऑटो एडजस्टमेंट है। तो एम्बिएंट लाइट सेंसर यहाँ पे देखने को मिलता है, ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों वॉचेस के बीच में। और जब हम बटन दबा के मेन्यू में जाते हैं वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। आप देखिए वही हार्ट रेट, स्लीप, वर्कआउट, वर्कआउट हिस्ट्री, SpO2, स्ट्रेस, ब्रीदिंग, अलार्म सेटिंग्स, मोर। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार अगर कम बजट है तो आप BPU या BPU प्रो से भी काम चला सकते हो। ऑलमोस्ट आपको सब सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए वही कैमरा कंट्रोल, फाइंड फोन, कंपस, वर्ल्ड क्लॉक, और मैं आपको एक बार वर्कआउट मोड भी इसके अंदर दिखा देता हूँ। स्पोर्ट्स मोड देखिए मिनी में ज़्यादा है 70+ और BPU प्रो में है 60+। तो देख सकते हैं मेजर सारे ही स्पोर्ट्स मोड लगभग सेम ही हैं आपको देखने को मिलेंगे। देखिए वही मोस्ट स्पोर्ट्स मोड में दोनों वॉचेस में जाएंगे तो आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएंगे, किसी में चार हैं तो किसी में तीन है, जो 10 स्पोर्ट्स मोड मिनी में फालतू दिए गए हैं, यही थोड़ा सा डिफरेंस है। वेट की बात करते हैं तो चलिए मैं इनका दोनों का वेट सामने चेक करके देख लेते हैं। तो मिनी का आता है 31 ग्राम्स, इसकी एलुमिनियम बॉडी है, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, एलुमिनियम लाइट वेट भी होता है। और वहीं BPU प्रो का वेट हम करते हैं तो वो भी 31 ग्राम्स है। जैसे मैंने BPU के वीडियो में बोला था यार, दोनों का डिस्प्ले बहुत अच्छा है और BPU का डिस्प्ले बिल्कुल एमोलेड को टक्कर देने वाला, तो BPU प्रो में भी आप देख सकते हैं सेम वॉच फेस लगा के दिखा रहा हूँ, देखिए क्या डिफरेंस पता चल रहा है आपको। बहुत गहराई से देखेंगे तब आपको एमोलेड की अच्छी क्वालिटी पता चलेगी, वरना BPU प्रो ने पूरी टक्कर दी है डिस्प्ले के मामले में। रेजिस्ट टू वेकअप चेक कर लेते, सुना था BPU प्रो का जल्दी चलता है, लेकिन दोनों का सेम टाइम पे ही देखिए स्क्रीन ऑन हो रही है, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। यस, दोनों का सेम टाइम पे आधे सेकंड से भी कम टाइम में चल रहा है, और थर्ड ट्राई में भी वेरी गुड। GTS 2 mini में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट है जो BPU प्रो में देखने को नहीं मिलता। ये देखिए जैसी स्क्रीन डिम होगी और ये आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो चुका है। इसके अलावा आपको और थोड़ी और थ्योरी वाली चीज़ें बता दूँ। देखिए म्यूजिक एंड कैमरा कंट्रोल दोनों में है, और स्ट्रैप दोनों का सिलिकॉन ही है। वेट देखिए विदाउट स्ट्रैप लिखा हुआ था मिनी का 20 ग्राम, और बैटरी आप देख सकते हैं लगभग सेम बैटरी। और एक बात बताऊँ, दोनों की बैटरी जो है ऑलमोस्ट सेम चलती है, लेकिन मिनी में एमोलेड है तो उसकी बैटरी थोड़ी ज़्यादा चलती है। और देखते हैं सरफेस का हार्ट रेट मॉनिटर दोनों वॉचेस करती हैं या नहीं करती हैं। तो वीडियो थोड़ा सा मैंने कट कर दिया है, इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था एक्चुअली इनको मेजर करने में। तो पहले तो मिनी ने मना कर दिया, भाई नहीं करते हम मेजर सरफेस का, और BPU प्रो देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। पिछले वीडियो में तो उसने मना कर दिया था,
एंड यस बीपीओ प्रो ने मना कर दिया। मैं SPO2 की चेक करता हूँ दोनों की रीडिंग, SPO2 में दोनों की क्या रहे हैं। तो SPO2 में तो देखिए शुरू में ही बोल देता है भैया वॉच को ढंग से पहन लो, मतलब वो सरफेस का हार्ट रेट मॉनिटर नहीं करने वाली है। तो पहले आपको मिनी की हार्ट रेट मॉनिटर की एक्यूरेसी टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए ऑक्सीमीटर में भी 83, 84 और 82 आया मिनी के अंदर। मिनी की एक्यूरेसी वाकई में ही बहुत ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू अदर वॉचेस। और ये सेकंड टाइम फिर मैंने हार्ट रेट मॉनिटर शुरू किया कि देखते हैं इस बार क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्योंकि मैं हर बार दो या बार तो दिखाता हूँ। देखिए 84 और 85, 86 के करीब ऑक्सीमीटर में। अब बीपीओ प्रो की चेक करते हैं, 78, 79 आ रहा है ऑक्सीमीटर में और वॉच में भी 75 के करीब आया है। और दोबारा से टेस्टिंग करते हैं तो 85 चल रहा है ऑक्सीमीटर में रीडिंग और 84, 83 देखिए अब ऑलमोस्ट सेम हो गया रीडिंग। तो बीपीओ प्रो की भी हार्ट रेट मॉनिटर की एक्यूरेसी अच्छी है। फिर SPO2 की रीडिंग की बात करते हैं तो देखिए 97 आ रहा है अभी SPO2 में ऑक्सीमीटर में, और GTS 2 मिनी थोड़ा सा टाइम ले रही है करने में, ये इसमें देखा गया है 99, 98 वहाँ भी आ रहा है। तो SPO2 की रीडिंग सही है। अब बीपीओ प्रो की देखते हैं, SPO2 की रीडिंग तो 94 आया है और ऑक्सीमीटर में 97 आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएंस हमको देखने को मिल रहा है 2-3 की रीडिंग का। एक बार दोबारा टेस्ट करके देखते हैं तो दोबारा टेस्ट में भी जो है रीडिंग थोड़ा सा डिफरेंस निकल के आ रहा है 2-3 पॉइंट्स का। अब देखिए स्ट्रेस मॉनिटर की कोई मशीन नहीं है तो मैं दोनों वॉचेस का आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ। एक बार मैंने मिनी को आगे बांधा है और बीपीओ प्रो को पीछे, तो मिनी में आया है 44 रीडिंग आई है स्ट्रेस मॉनिटर की और बीपीओ प्रो में आई है 38। तो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ने कम स्ट्रेस दिखाया। फिर मैंने वॉच की थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर दी, एक को आगे कर दिया एक को पीछे, तो बीपीओ प्रो ने जल्दी कर लिया है मेजर, 47 आया है यहाँ पे। और जो मिनी है उसमें थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है रीडिंग आने में और मिनी के अंदर निकल गया था 53। तो ऑलमोस्ट सेम है रीडिंग्स। नोटिफिकेशन की लेंथ की बात करते हैं, दोनों ही वॉचेस में बड़े से बड़े नोटिफिकेशन आते हैं। देखिए ये एक SMS मैंने एक WhatsApp मैसेज भेजा था और इसकी लेंथ देखिए पूरी कवर है। और आप ये देख सकते हैं बीजल जो है Amazfit बीपीओ प्रो का, इसमें नीचे बड़ा बीजल है इसलिए आधा मैसेज वहाँ एक लास्ट की लाइन वहाँ छुप गई है, लेकिन मिनी में वो लाइन भी पूरी आपको नज़र आ जाती है। उसके अलावा बताऊँ तो जी GPS एंड ग्लोनेस का सपोर्ट आपको ड्यूअल GPS मिल रहा है, आइडियल है स्विमिंग के लिए और SPO2 तो है ही है दोनों में, जो हम रीडिंग आपको दिखा चुके हैं। तो देखिए जब ये वर्कआउट मोड्स की मैंने टेस्टिंग की, पहले वॉकिंग का मोड सेलेक्ट किया तो बीपीओ प्रो ने जो है, जब मैं 600 स्टेप्स चला तो बीपीओ प्रो ने जो है कैप्चर किया 618, तो थोड़ा सा हायर साइड पे गया और 0.39 किलोमीटर का डिस्टेंस कैप्चर किया। वहीं मिनी में 0.42 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब 30 मीटर का फर्क था, और स्टेप्स 581 कैप्चर किए। और मैंने जनरली देखा है मिनी थोड़ा सा लोअर साइड पे रहता है स्टेप्स कैप्चरिंग में, 5, 10, 15 जो होंगे वो कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। फिर जब मैंने 1000 स्टेप्स और चला तो बीपीओ प्रो में आए 1008 स्टेप्स, अगेन हायर साइड, डिस्टेंस 0.67, वही मिनी में डिस्टेंस 0.70, स्टेप्स है 992। फिर मैं रनिंग मोड सेलेक्ट किया और थोड़ा एक पार्क का और राउंड लिया रनिंग में, तो बीपीओ प्रो में जो आया डिस्टेंस 0.69 किलोमीटर निकल के आया और मिनी में जो आया है डिस्टेंस वो है 0.71 किलोमीटर। और स्टेप्स की अगर बात करते हैं तो GTS2 मिनी ने कैप्चर किया 976 और बीपीओ प्रो ने 1010। उसके अलावा दोनों ही वॉचेस में जो ऑटोमेटिक हार्ट रेट डिटेक्शन होता है, अनयूजुअल हार्ट रेट वाला, वो आता रहता है। काफ़ी सारे कस्टमाइज के ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं वर्कआउट करने से पहले। जैसे कि अगर आपने मेरे बीपीओ प्रो के पिछले वीडियो में देखा हो तो कस्टमाइज का ऑप्शन जो है वर्कआउट्स के दोनों में ही सेम है, आप देख सकते हैं। वही आपको ऑटो पॉज का, एक्टिविटी अलर्ट्स का और स्क्रीन लॉक इन एक्सरसाइज, वो सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। किस तरीके से कस्टमाइज करना है सब आपकी मर्जी है, दोनों ही वॉचेस में ये फैसिलिटी है, दोनों में इस चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रीसेट क्विक रिप्लाइज का ऑप्शन भी है, वो दोनों वॉचेस में मिलते हैं। देखिए GTS2 मिनी में है, जब भी कॉल आता है इनकमिंग कॉल, आप कॉल को साइलेंट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ से कस्टमाइज मैसेज भेज सकते हैं और ये मैसेज को आप एडिट कर सकते हैं जैप एप्लीकेशन में जाके। सेम यही फैसिलिटी हमको बीपीओ प्रो में भी देखने मिलती है। देखिए इसमें भी इनकमिंग कॉल आती है, स्क्रीन को आपकी तरफ स्वाइप करिए, ऊपर स्वाइप करते आपको मैसेजेस आ जाएंगे, आप भेज सकते हैं। एप्लीकेशन के बारे में भी देखिए दोस्तों, दोनों की ही सेम टू सेम एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं है कि मिनी हायर मॉडल है तो उसमें कुछ फीचर्स कम मिलेंगे एप्लीकेशन में, दोनों में ही सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं। देखिए जैसे कि वर्कआउट की डिटेल सारी सेम है, होम पेज बिल्कुल सेम है। उसके बाद जब हम जाएंगे अगले मेन्यू जो कि एंजॉय मेन्यू है, उसमें देखिए अलार्म क्लॉक, फाइंड डिवाइस, टारगेट सेटिंग, इनकमिंग कॉल, ऐप अलर्ट्स, वाइब्रेशन मोड, सारे के सारे फीचर जो हैं जो मिनी के लिए एप्लीकेशन में आपको मिलेंगे वही बीपीओ प्रो के लिए भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। फिर हम जाते हैं अगर प्रोफाइल्स वाले टैब में जाएंगे तो प्रोफाइल्स वाले टैब के अंदर भी आपको देखिए गोल्स, रिकॉर्ड्स, फ्रेंड्स, ऐड अकाउंट्स, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद जब अगर हम इसमें डिवाइस के अंदर जाते हैं तो डिवाइस के अंदर भी आपको सेम स्टोर, नोटिफिकेशन, रिमाइंडर, वाइब्रेशन,
उसके अलावा जब बात करते हैं, देखिए इसमें वो लैब वाला ऑप्शन भी है जिससे आप रिमोट शटर कैमरा की जो है सेटिंग कर सकते हैं, कैमरा कंट्रोल की सेटिंग। तो वहाँ जाके आपको दोनों ही वॉचेज़ में सेम ही ऑप्शन है जो आपको इनेबल करना पड़ेगा इसके लिए, और आप उसको इनेबल कर सकते हैं। मैं आपको थोड़े से वॉच फेस के एक बार दर्शन करा देता हूँ, हम सबका कंसर्न रहता है कि वॉच फेसेस में तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए जो GTS 2 मिनी है उसमें काफ़ी सारे ऐसे वॉच फेसेस हैं जो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले को सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल दोनों में ऐप्स में जो है 50 से ऊपर आपको वॉच फेस देखने को मिल जाएंगे। ये आप देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और देखिए सेम वॉच फेस आपको दोनों ही साइड पे देखने को मिलेंगे, एक साइड आपको मिनी दिख रही है और एक साइड BPU प्रो। Alexa, how is the weather today? तो दोस्तों अब बात करते हैं कि दोनों वॉचेज़ में किसमें क्या बढ़िया मिला है। तो अगर मैं BPU प्रो की बात करूं स्पेसिफिकली, तो एक तो ये 2000 रुपये सस्ती पड़ रही है आपको। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये GTS 2 मिनी से आगे हो, उसके इक्विवेलेंट है लेकिन आगे नहीं है उसे, जिसमें जैसे वॉइस असिस्टेंट जिसमें आ गया जो मिनी में भी है। उसके अलावा बात करते हैं तो इसके अंदर आपको कंपस देखने को मिल रहा है जो कि आ गया, और बिल्ट इन GPS भी इसके अंदर आ गया। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें ये आगे हो। अब बताता हूँ कि जो GTS 2 मिनी है वो किस किस चीज़ में आगे है। सबसे बड़ी बात एमोलेड डिस्प्ले है उसका, एमोलेड स्क्रीन है, स्क्रीन साइज़ बड़ा है, डायल साइज़ दोनों का सेम ही है, मैं दिखा चुका हूँ वीडियो में। डायल साइज़ सेम होने के बाद भी स्क्रीन इसमें ज़्यादा बड़ी दिखती है। उसके अलावा बात करते हैं इसके बीजल काफ़ी कम है, साथ में जो इसकी बिल्ड क्वालिटी जो एलुमिनियम की है जिससे ये प्रीमियम फील देती है वॉच। तो अगर आप 2000 रुपये मेरे हिसाब से अपना बजट बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा एक और बात करता हूँ, ऑटो ब्राइटनेस है इसके अंदर, एम्बियंट लाइट सेंसर जो कि काफ़ी काम का फीचर होता है, वरना आप रात को कभी कम करेंगे कभी ज़्यादा करेंगे, बाहर जाएंगे तो आपको बढ़ानी पड़ेगी ब्राइटनेस, वो झमेला इससे में नहीं होता है, बच सकते हैं। प्लस जो एथलीट लोग हैं जिनको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए होता है, जिन लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट है वो भी हमको इसमें देखने को मिल जाता है। तो इसलिए ये वॉच जो है अगर आप इसमें 2000 रुपये एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो 2000 रुपये की वर्थ भी इसमें मिल रही है आपको, चाहे जो मैंने आपको चीज़ें बताई उनसे आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि BPU प्रो जो बेकार है वो GTS 2 मिनी से ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन 5000 के सेगमेंट की बात करूँ तो इतने सारे फीचर्स अगर आप इसके बजे तो थोड़ा सा बीजल आ रहा है इससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, और इसके पीछे डिस्प्ले है वो बड़ा ही है, मैंने आपको SMS नोटिफिकेशन वाले सीन में दिखाया था, अगर आप बस इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी से, तो 5000 रुपये में इससे ज़्यादा फीचर्स जो आपकी वॉच है पूरी की पूरी एप्लीकेशन का काम करती है, इतनी सारी चीज़ें इसकी एप्लीकेशन में मिल जाती है आपको, कुछ कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारी वर्कआउट हिस्ट्री हर चीज़ आप इसके अंदर देख सकते हैं, और एक्यूरेसी की टेस्टिंग में आपको करके दिखा चुका हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कम्प्लीट वॉच, बट इफ़ यू कंपेयर इट विद GTS 2 मिनी तो यहाँ पे वो जीती है। 5000 सेगमेंट में अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको यही बोलता हूँ, भाई आपको अगर अच्छी लुक्स और डिस्प्ले चाहिए विद एक्यूरेसी तो आप ऑनर ES के पास जा सकते हैं, आपको बस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा वहाँ पे कैमरा कंट्रोल फीचर से और बिल्ट इन GPS से। लेकिन अगर आपकी बिल्ट इन GPS की रिक्वायरमेंट है, आपके पास ज़्यादा बजट भी नहीं है, तो ये एक कंप्लीट वॉच है और बेस्ट वॉच है यूज़ करने के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको जानने में ज़रूर मदद मिली होगी कौन सी वॉच लेना किसके लिए कब फ़ायदेमंद है। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।